हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीओ के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने। तो बात करते हैं, यहाँ पे 30 लीग मैच है और 3 प्ले ऑफ के बाद PSL की 2 फाइनलिस्ट टीम जो कि आ चुकी है। इन दोनों टीम्स ने पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई, जिसमें से एक तरफ हमें मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान है तो वहीं दूसरी तरफ हमें सदाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड है। यह फाइनल मैच आपका 18 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 77% रहेगा और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 26% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 74% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर 178 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का स्कोर 161 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान 6 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच जीत के आ रही है। तो अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुल्तान सुल्तान का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए टॉप पे रही है। टीम ने टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 7 जीत कर पॉइंट टेबल नंबर 1 पे। टीम ने जहाँ पे क्वालिफायर 1 में टीम पेशावर को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं अगर टीम के कैप्टन की बात करें जो कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे इस वक्त रिजवान और यासीर खार खेल रहे हैं, जहाँ पर यासीन ने लास्ट गेम में 53 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान जो टीम के लीडिंग रन गेटर बैट्समैन है, उन्होंने 11 इनिंग में 381 रन बनाए। वहीं अगर नंबर 3 पर बात करेंगे तो उस्मान खान जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वहाँ 6 इनिंग में उन्होंने 373 रन बना दिए। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें, जहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जहाँ पे नंबर 4 और नंबर 5 पर जॉनसन चार्ली और इफ्तिकार अहमद है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो हर एक मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टीम ने लास्ट गेम में पेशावर को 146 पे ही रोक दिया था। वहीं इंग्लैंड के जहाँ पे बॉलर डेविड विली, क्रिस जॉर्डन जो कि कंसिस्टेंट होकर फॉर्म में खेल रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, जहाँ पे लेग ब्रेक बॉलर शामा मिर जो टीम के लिए टॉप बॉलर है, उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा 23 विकेट लिए हैं। वहीं पेसर जहाँ पे मोहम्मद अली ने भी 18 विकेट ले चुके हैं, जहाँ पे अब्बास अफरीदी ने लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, यहाँ पे हमको मोहम्मद रिजवान है जो कि कप्तान और विकेट कीपर दोनों हैं, उस्मान खान है, यासीर खान है, जॉनसन चार्ली, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह, डेविड विलियम, मोहम्मद अली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी और क्रिस जॉर्डन है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान है, उसामा मीर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे किसने सोचा था कि इस्लामाबाद फाइनल तक आ जाएगी। टीम ने टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट किया था लेकिन बाद में टीम ने गजब का परफॉर्मेंस किया। पहले टीम ने 10 मैच में से 4 हार और 5 जीत के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, फिर एलिमिनेटर में जहाँ पे क्वेटा को हराकर आगे क्वालिफाई किया और लास्ट गेम में जहाँ पे पेशावर जानवी को हराकर बाबर आजम का दिल तोड़ दिया। अब इस टीम फाइनल में आ गई है। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि ऑलराउंडर सदाब खान है, टीम को बेहतरीन तरीके से लीड भी कर रहे हैं। लास्ट गेम में जहाँ पे टीम ने हारते हारते मैच को भी जीत लिया। ओपनिंग में जहाँ पे मार्टिन गुप्तिल यानी एलेक्स हेल्स की जोड़ी जो कि फ्लॉप चल रही है, नंबर 3 पर जहाँ पे आकाश शर्मा जो कि अच्छे फॉर्म में, उन्होंने अब तक 11 मैच में 300 रन बनाए। वहीं अगर कैप्टन सदाब इस सीजन में बैट से कंसिस्टेंट होकर फॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अब तक 301 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में जहाँ पे विकेट कीपर आजम खान खेल रहे हैं, इमाद वसीम एम हैदर अली जो मैच में फिनिशिंग के लिए एबिलिटी है, उन्होंने लास्ट गेम में दिखा दिया कि इन दोनों मिलकर 49 बॉल में 98 रन की पार्टनरशिप करके मैच को जिता दिया। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रन भी दे दिए ओबर्ट मैग जो कि 4 ओवर में 50 रन लुटा दिए। यहाँ पे नसीम शाह जो टीम पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 3 विकेट लिए, तब तक 15 विकेट लेकर वो टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पे हुनैन शाह को जो कि लास्ट गेम में 1 भी ओवर का बॉलिंग नहीं मिल पाया था, जहाँ पे फहीम असफ जो कि कंसिस्टेंटली स्पेल डाल रहे हैं, सदाब खान ने 10 इनिंग में 11 विकेट लेकर टॉप पे है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एलेक्स हेल्स है, मार्टिन गुप्टिल है, सदाब खान है, आकाश शर्मा है, आजम खान है, हैदर अली है, नसीम शाह, हुनैन शाह, इमाद वसीम, फहीम असफ, उबेड मैको है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे आकाश सलमान है, कॉलिन मुनरा, सदाब खान है।
तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं, चलिए प्रिडिक्शन कंक्लूजन देखते हैं। रिसेंट फॉर्म और अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुल्तान टॉप पे चल रही है, लेकिन इस्लामाबाद के पास यहाँ पे मोमेंटम है। दोनों टीम्स की ताकत और प्लेइंग 11 को देखते हुए पीएसएल का मैच हो रहा है, यहाँ पे मुल्तान सुल्तान होगा और ट्रॉफी भी लेकर जाएगी। यहाँ पे इस्लामाबाद का मे भी हार सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।